बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं असलान जुबैरी और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लेक्चर 20 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 19 में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो था वावल का फार्मूला। हम इसको वन बाय वन विद डिटेल डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले नौ वावल्स को डिस्कस कर लिया था। पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, दैट, एग, इज को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले उन वीडियोज़ को देखें। अब हम फर्दर नेक्स्ट वावल को डिस्कस करेंगे बहुत ईजी मेथड से। नेक्स्ट वावल है हमारे पास नॉट। इसको डिस्कस कर लेते हैं। नॉट, NOT, नॉट। इस वर्ड को बोलते हुए ज़बर की आवाज़ पैदा हो रही है। इस वावल से रिलेटेड जो भी वर्ड आएंगे उनको हम अबव द लाइन लिखेंगे। मीन इस वर्ड की पहली स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखेंगे। जो वर्ड्स भी हमारे पास नॉट से रिलेटेड आएंगे, नॉट, नॉट, नॉट को जब हम मुंह से बोलते हैं नॉट, तो हमारे पास ज़बर की आवाज़ पैदा हो रही है। तो इस वर्ड से रिलेटेड जो भी वर्ड आएंगे उस वर्ड की पहली स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखेंगे। मीन को पी वर्ड्स है कोई भी, हमारे पास नॉट से रिलेटेड है तो उसको हम अबव द लाइन लिखेंगे। उसकी पहले स्ट्रोक को, लाइन को टच नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास यह है कि फर्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस सर हमारे पर लाइट डैश आ जाएगा। यहां पर हम लाइट डैश लगाएंगे इस तरह। फर्स्ट रो की फर्स्ट प्लेस पर लाइट डैश लगाएंगे। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं कि नॉट से रिलेटेड जो भी वर्ड जाएंगे उन वर्ड की पहली स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि फर्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पर लाइट डैश लगाएंगे। ये लाइट डैश इसलिए लगाएंगे फर्स्ट स्ट्रोक पे क्योंकि हमने उंगली का फार्मूला पढ़ा है, हैवी डॉट फिंगर, लाइट डॉट फिंगर, हैवी डैश फिंगर, लाइट डैश फिंगर। तो हमारे पास पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, दैट, एग, इज, नॉट, नॉट हमारे पास लाइट डॉट फिंगर में आ रहा है तो हमारे पास वो फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है, इसलिए हम लाइट डैश लगाएंगे और फर्स्ट प्लेस पर लगाएंगे। इसलिए हम पॉइंट में बता रहे हैं कि फर्स्ट रो की फर्स्ट प्लेस पर लाइट डैश लगाएंगे। अब हम इस वावल को नॉट को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमें ये मजीद क्लियर हो जाएगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं नॉट से रिलेटेड। हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है नॉट से रिलेटेड गॉड, GOT, गॉड। तो हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाते हैं तो ये गॉड हमारे पास नॉट से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे पहले क्या है, शॉर्ट हैंड इज द लैंग्वेज ऑफ साउंड। शॉर्ट हैंड हमारे पास आवाज़ों की जबान है। हमने यहाँ पे वर्ड्स नहीं देखने होते, आवाज़ देखने होते। हमारे पास यहाँ पे गॉड, हमारे पास यहाँ पे आवाज़ आ रही है गे और टी की, तो हम उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट हैंड बनाएंगे। तो हमारे पास गे हमारे पास इस तरह होता है डार्क और टी हमारे पास लाइट होता है। तो हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाते हैं। तो शॉर्ट हैंड बनाने से पहले वही फॉर जो हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए हैं नॉट से रिलेटेड, के फर्स्ट जो नॉट से रिलेटेड वर्ड्स होंगे उन वर्ड की पहली स्ट्रोक को ऑन अबव द लाइन लिखेंगे। हमारे पास ये पहली स्ट्रोक गे है, इसको अबव द लाइन लिखेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि फर्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट लगाएंगे। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाते हैं तो हमें क्लियर होगा। तो हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड इस तरह बनेगी, गे और टी, गे हमारे पास डार्क और टी हमारे पास लाइट। तो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रोक अबव द लाइन, सेकंड पॉइंट ये है कि फर्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट, ये लाइट डॉट आ गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फोर्ट, FAUGHT, फोर्ट। तो हम यहाँ पे देखें तो वर्ड्स तो काफ़ी सारे आ रहे हैं अल्फाबेट्स, लेकिन यहाँ पे आवाज़ फोर्ट, FOT की आवाज़ आ रही है। हम ऊपर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि शॉर्ट हैंड इज़ द लैंग्वेज ऑफ साउंड। तो हम अब हमें वर्ड्स नहीं देखने, हमने यहाँ पे साउंड देखना है। FOT की आवाज़ आ रही है तो हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाते हैं। तो हमारे पास एफ इस तरह लाइट होता है और टी भी हमारे पास लाइट होता है। तो अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाते हैं तो वही फार्मूला वही पॉइंट्स के फर्स्ट स्ट्रोक को, यहाँ पे हमारे पास एफ फर्स्ट स्ट्रोक है, इसको हम अबव द लाइन लिखेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट होता है। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बना रहे हैं तो मैं इसकी शॉर्ट हैंड इस तरह बनेगी, एफ और टी, इस तरह एफ और टी, फॉर एफ ओ टी, और फर्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट आ जाएगा इस तरह, इस पर लाइट डॉट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है टॉट, TOUGHT, टॉट। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास अल्फाबेट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन हमारे आवाज़ टॉट, TT की दो दफ़ा आ रही है हमारे पास। तो हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे। तो हम इसकी शॉर्ट हैंड वही टी हमारे पास लाइट होता है। तो अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बना रहे हैं तो शॉर्ट हैंड वही पॉइंट्स नॉट से रिलेटेड के फर्स्ट स्ट्रोक को हम अबव द लाइन लिखेंगे। अब हम इसको अबव द लाइन, अब इसकी शॉर्ट हैंड बनाते हैं तो वही पॉइंट्स दोबारा रिपीट होंगे, टॉट ये टी फिर टी, दो दफ़ा टी आर, और फर्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हॉट, HOT, हॉट। ओ हमारे पास वॉवल है, दो वर्ड्स बच जाते हैं, HOT, टी तो हमारे पास कोई वर्ड नहीं था, H हमारे पास है
व्हाट्सएप हमने रिवॉल्व डिस्कस किए थे हे वाला, तो हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे। तो हमारे पास हे इस तरह होता है, हे को लिखने के दो फॉर्म्स हैं, सिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, नाइन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो आपको ईजी लगे। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे। टी हमारे पास लाइट होता है, तो वही पॉइंट्स के फर्स्ट स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखेंगे और फर्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट आ जाएगा। तो अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बना रहे, तो हमारे पास शॉर्ट हैंड किस तरह बनेगी, इस तरह हमारे पास की शॉर्ट हैंड बनेगी और फर्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट आ जाएगा। इस तरह हमारे पास यहाँ पे लाइट डॉट आ जाएगा। हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें ये वॉवल नॉट मजीद क्लियर हो जाए। तो हमारे पास वॉवल था नॉट, एन ओ टी नॉट, हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है बॉट, बी ओ यू जी एच टी, बॉट। तो हमारे पास यहाँ पे अगेन वही कि हमने यहाँ पे साउंड को देखना है ना कि हमने स्पेलिंग को देखना है। हमारे पास बॉट, यहाँ पे हमारे पास वॉइस पैदा हो रही बी और टी की, तो हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे। तो बी हमारे पास इस तरह होता है डार्क और टी हमारे पास लाइट होता है। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे, तो नॉट के लिए वही पॉइंट्स हम रिपीट करेंगे कि हमारे पास बॉट जो है ना, जो वर्ड नॉट से रिलेटेड वर्ड्स होंगे उन वर्ड की पहली स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखेंगे। बी हमारे पास पहली स्ट्रोक है, इसको अबव द लाइन लिखेंगे। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाते हैं, तो हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड इस तरह बनेगी बी और टी, इस तरह बी और टी लाइट, और फर्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट आएगा, लाइट डैश आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है शॉर्ट, एस ओ यू जी एच टी, शॉर्ट। तो हमारे पास अगेन यहाँ पे वॉइस जो है ना एस और टी की, शॉर्ट, एस और टी की आवाज़ आ रही है। तो हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे, एस हमारे पास स्ट्रोक इस तरह होती है और टी हमारे पास इस तरह लाइट होती है। तो हम ऊपर रिपीट नॉट से रिलेटेड पॉइंट्स रिपीट कर चुके हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रोक होगी उसको अबव द लाइन लिखेंगे। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे, वही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड इस तरह बनेगी एस और टी, एस हमारे पास लाइट और टी भी हमारे पास लाइट, इस तरह हमारे पास शॉर्ट हैंड बनेगी इसकी, और फर्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट आए। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस वर्ड नॉट से रिलेटेड आपने 10 वर्ड की प्रैक्टिस करनी है और हर वर्ड को 10-10 दफ़ा लिखना है। जितना आप इसकी इनकी प्रैक्टिस करेंगे इन वॉवल की, उतना ही आपको क्लियर होते जाएंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। इन तमाम वॉवल्स पा मे वी ऑल गो टू दैट एग इज नॉट से रिलेटेड अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे विद अस एंड थैंक यू।